हेलो एवरीबॉडी हेलो हेलो वेलकम टू जैनिक एजुकेशन कैसे हैं सब हैप्पी गणेश चतुर्थी अंशुमान हैप्पी गणेश चतुर्थी टू एवरीबॉडी समझ में आ रहा है पूजा पाठ सब करो थोड़ा बहुत ज़रूरी है गेट का एग्जाम आ रहा है चलो बढ़िया है शुभम कुमार हाय गुड मॉर्निंग शुभम कुमार गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग टू एवरीबडी आज का दिन आपका बहुत ही खूबसूरत हो और मजा आ जाए आप लोग को सागर हाई है सर हैलो अमरजीत गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून सुपीरिया गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी नीतिश सिंह विनोद विनोद सर का आएगा वीडियो इसके बाद विनोद सर का है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो लेने वाले विनोद सर कंट्रोल सिस्टम पे ठीक है तो बिल्कुल आप लोग जुड़े और देखे मजा आ जाएगा आप लोग को समझ में आ रहा ना सब अच्छे अच्छे टॉपिक किए जा रहे डील यहाँ पे सब जुड़ गया है ओके नाइस यार मैंने कुछ सोचा है आप लोग के लिए क्या सोचा है बताओ मुझे लगता है बहुत लोग रिवीजन नहीं करते हैं ऐसा मुझे पता चला है कुछ कुछ लोग रिवीजन नहीं कर रहे पीछे वाले भी भूल जा रहे हैं समझ में आ रहा है क्या क्या मैंने पढ़ाया एसी ब्रिजेस बताया ना एसी ब्रिजेस पढ़ाया आप लोगों की नहीं पढ़ाया बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ाया बेसिक इंस्ट्रूमेंट पढ़ाया या नहीं पढ़ाया पढ़ाया ना तो क्या सब ने सब रिवीजन कर रहे हैं क्या एक एक क्वेश्चन बना रहे क्या डेली जल्दी मुझे बताओ कमेंट बताओ सब एक एक क्वेश्चन डेली बना रहे या नहीं बना रहे अगर नहीं बना रहे तो मैं क्या सोच रहा हूं ये मैं आपसे पूछ रहा हूं अगर आप बोलोगे यस दिन कंटिन्यू करेंगे जो भी अभी लाइव सेशन आगे आने वाला ठीक है और आज का मैं सोच रहा हूं जो मैं पहले पढ़ा चुका ना उस उसपे एक क्वेश्चन दे दू स्टार्टिंग में ही एक क्वेश्चन दे दू ताकि आप लोगों को ना रिवीजन करने की जरूरत अलग से टाइम निकालने का जरूरत नहीं इस लाइव सेशन में प्रीवियस जो चैप्टर्स हैं वो भी कंप्लीट हो जाएंगे क्या सही में बोल रहा हूं या नहीं बताओ क्या चाहिए ऐसा करूं मैं ज्यादा नहीं दस मिनट दस मिनट लगेगा बस स्टार्टिंग के दस मिनट आपके रिवीजन में जाएगा इससे क्या हुआ कि जो खुद से नहीं करते रिवीजन ना यहां पे आके एटलीस्ट कर ही लेंगे यस या नो जल्दी बता दो अगर है तो मैं तुरंत क्वेश्चन दूंगा बेसिक इंस्ट्रूमेंट पे एक सिंपल सा क्वेश्चन जल्दी से बना के तुम लोग बता देना ठीक है जिसका नहीं बनेगा वो कल ट्राई करेगा मैं सोल्यूशन नहीं बताऊंगा बस क्वेश्चन दे रहा हूं जल्दी से फटाफट नोट करके बना उसको मैं आंसर का वेट करूंगा आंसर भी नोट करूंगा समझ में आ गया टेस्ट सीरीज दे रहा हूँ सर प्रमोद यादव गुड गुड टेस्ट सीरीज देना जरूरी है सुप्रिया शर्मा बोल रहे हैं यस सर अच्छा सर ब्रिजेस नहीं पढ़ाया मैंने ओके ओके कोई बात नहीं कोई बात नहीं ब्रिजेस में कुछ रखा ही नहीं है मैंने जो टू फिफ्टी डे प्लान में बना बताया था ना वो मोर देन सफिशियंट है बट स्टिल मैं इसको पढ़ाऊंगा इस लाइफ सीजम नहीं वो तो यार एक से दो लेक्चर में खत्म हो जाएगा इसमें कुछ नहीं बचा है और सारे ब्रिजेस याद हो जाएंगे सारे टाइप ऑफ क्वेश्चन में करवा दूंगा ठीक है कैसे याद रखना है कैसे सॉल्व करना है ब्रिजेस के क्वेश्चन नहीं छोड़ सकते हो आप लोग बहुत ही आसान होता है सर टेलीग्राम टेलीग्राह में क्वेश्चन भेज दीजिए एक एक करके ओके टेलीग्राम ग्रुप पे भी जाएगा बहुत जल्द टेलीग्राम ग्रुप पे भी जाएगा क्वेश्चन ठीक है उसके भी आपका बनने वाला ग्रुप रुक जाओ थोड़ा यस सर चलो रेडी है तो एक क्वेश्चन आप लोग जल्दी से बना लो तो मैं प्रीवियसली पढ़ाया था बस आपका रिवीजन हो जाएगा दस मिनट लगेगा ज्यादा नहीं ठीक है तो ये रहा आपका क्वेश्चन आपके लिए ठीक है ये क्वेश्चन रहा जल्दी से बना दो समय ज्यादा वेट नहीं वेस्ट नहीं करना जल्दी से बना दो उसको फटाफट खत्म करो उसको क्वेश्चन दिख रहा सबको क्वेश्चन दिख रहा है यार नहीं मुझे नहीं दिख रहा यार क्वेश्चन अच्छा दिख रहा अब दिखा अब दिखा क्वेश्चन मुझे आप लोगों को भी दिख गया होगा जल्दी से इस क्वेश्चन को बना दो फटाफट ठीक है रिवीजन हो जाएगा और कुछ नहीं होने वाला रिवीजन हो जाएगा जल्दी से खत्म हो जाएगा उसको कर दो खत्म ठीक है बस लाइव सेशन अटेंड करो और खत्म मेजरमेंट घर पे भी अलग से पढ़ने का जरूरत नहीं मैं ऐसा सोच रहा था ये सही आपको लगे तभी मैं करूंगा वरना मैं जो टॉपिक है वही पढ़ाऊंगा कोई दिक्कत नहीं मैं प्रीवियस टॉपिक पे क्वेश्चन नहीं दिलाऊंगा एक क्वेश्चन से ज्यादा नहीं डाऊंगा मैं टेंशन मत लो बस एक क्वेश्चन आपको मैं बोलता हूँ डेली एक क्वेश्चन ही बनाना है आपको प्रीवियसलीट इट रिविजन वही है सब कुछ वही है समझ में आ गया सभी जुड़ गए नो सर एसी ब्रिजेस नहीं नो सर एसी ब्रिजेस नहीं ओके okay. सर टेलीग्राम में बिल्कुल भेज जाएंगे टेंशन लो नीतिश सिंह यस सर चलो इस क्वेश्चन को फटाफट आंसर दो जल्दी 28 लोग जुड़ चुके हैं जल्दी जल्दी फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दे दो उसके बाद आज बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कल मैंने आपको बोला था कि क्या होगा उस पर्टिकुलर सर्किट में अगर हम जो इनपुट वोल्टेज है उसको बढ़ा देंगे रेफरेंस वोल्टेज के रेंज में नहीं रखेंगे तो क्या होगा आप लोग ने अगर नहीं बनाया तो देखना मजा आएगा और जिसने बनाया है वो मुझे बताना कमेंट में कि क्या हुआ आपने ट्राई किया होगा ना रेफरेंस जो इनपुट एनालॉग वोल्टेज है उसका अगर आपने ज्यादा रखते हैं रेंज के वी रेफरेंस के रेंज से तो क्या है आउटपुट में क्या हो रहा है आउटपुट में क्या प्रॉब्लम आ रहा है फॉर दैट पर्टिकुलर सर्किट ठीक है पीएमसी नॉट इन सिलेबस एवरेज वैल्यू अरे भाई सिलेबस में हो या ना हो इंस्ट्रूमेंटेशन और मेजरमेंट में ये बहुत ज़रूर मेजरमेंट कैसे करोगे यार पीएमएमसी से तो करोगे बहुत सारे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है और इसमें है ही क्या रखा पीएमएमसी में आएगा बिल्कुल आएगा क्वेश्चन टेंशन मत लो पीएमसी के ऊपर क्वेश्चन आएगा एवरेज वैल्यू पीएमसी पीएमसी एवरेज वैल्यू मेजर करता है हाँ तो इसका बता दो जल्दी फटाफट एवरेज वैल्यू निकाल के देखिए जरा कितने स्पीड से आप लोग बनाते हो जल्दी से बना दो उसके बाद बस स्टार्ट करने वाले हैं ड्यूल स्लोप टाइप एडीसी स्टार्ट किया मतलब खत्म होने वाला आज तो आज स्टार्ट हो ना, आज तो खत्म करेंगे यार जल्दी से बताओ इसका आंसर सुपिरिया आपका आंसर अभी तक नहीं आया आप चले, कैसे चलेगा ऐसे काम प्रकाश ठाकुर बताओ यार आपका भी आंसर नहीं आया सुभादीप मॉंडल आपका भी आपका भी आंसर नहीं आया सीट नहीं दिख रहे हैं सीट नहीं दिख रहे हैं सीट कहाँ चले गए सीट चलो कोई बात नहीं हम वेट कर लेते हैं आप लोग जल्दी से फटाफट इसको बना दो तब तक बाकी लोग भी जुड़ जाएंगे और आपका डीवीएम खत्म हो जाएगा कोई दिक्कत की बात नहीं है चलो जल्दी बताओ कमेंट्स देख रहा हूं मैं सबका जल्दी बताओ

एक एसी सिग्नल का एवरेज वैल्यू जीरो होता है क्यों क्योंकि आधा पॉजिटिव होता है आधा निगेटिव होता है तो ओवरऑल जीरो जाता है एवरेज इसका इतना ज्यादा नहीं आ सकता है, धर्मा टेक लाइफ यार अपना अपना नाम रखो ना क्या दिक्कत है इतना मतलब पसंद नहीं क्या आपको अपना नाम पसंद होना चाहिए हाँ अगर आपका नाम विनोद नहीं है तो अगर विनोद है तो भले पसंद ना हो बट विनोद नहीं है तो पसंद होना चाहिए अपने नाम से बनाया करो मैं हूं सर ओके है है गुड 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 चलो चलो सीट भी है बनाओ भाई इसको सीट जल्दी बनाओ आप लोग चिनो शर्मा बनाओ भाई आप भी आप भी बनाओ चलो जल्दी बनाओ आप लोग भी आशीष पाठक 2.48 लग रहा है इसका सही है टू एक का आंसर आया है 2.48 आया है आंसर एक का ठीक है बाकी का बताओ ये आ रहा है क्या आशीष का आंसर इतना आया है सुवादीप मंडल का है पॉइंट माइनस धर्मा टेक अगेन 12.5 ये देख लो एक छोटा सा क्वेश्चन दिया मैंने इसमें इतने डिफरेंट डिफरेंट आंसर आ रहे लोगों का आंसर तो कोई एक ही सही होगा ना होगा या नहीं बट इतने डिफरेंट डिफरेंट आंसर आए इसका मतलब रिविजन नहीं कर रहे हो यार ऐसे कैसे चलेगा मुझे लगा ये आप 10 सेकेंड में बना दोगे तुरंत कुछ करना क्या है इसमें आशीष टू पॉइंट फाइव फाइव बेहरा जीरो जीरो क्यों आएगा भाई शुभम जीरो क्यू आएगा जीरो कब आता जब ये ऐसा होता ठीक है यहां पर स्ट्रेट लाइन ही होता ऐसा होता तो इसका जीरो वैल्यू आता ना एवरेज वैल्यू इसका जीरो तो आ ही नहीं सकता है देखो ध्यान से इसका जीरो क्यों आएगा किरण पाटिल 12.68, ये भी गलत है आशीष 2.5, ओके चलो मतलब 2.48 के आसपास है चलो शुभम मेरा जीरो जीरो नहीं आया शुभम भाई समझ में आया क्या समझ में आया सिग्नल नहीं है प्योरली यह स्ट्रेट लाइन है भाई देखो इसको अच्छे से 2.5 पॉइंट फाइव माइनस फाइव अपॉन पाई इसको कैलकुलेट भी कर लीजिए अनिल कुमार तिवारी जी ठीक है ताकि डेसिमल या फिर जिसमें भी आपका आया एग्जैक्ट आंसर बताइए अब फिर मैं कैलकुलेट करूंगा फिर आपका आंसर कैसे लिखूंगा यहाँ पे हो हो बहुत दिक्कत है एक सिंपल सा क्वेश्चन नहीं बन रहा है रिविजन में प्रॉब्लम आ रहा है क्या किसी को Yeah, समझने में क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रहा है पी एमसी इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है परमानेंट मूविंग क्वाल परमानेंट मैग्नेट मूविंग क्वाल मीटर है वो तो परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल क्या मेजर कर रहा value, है एवरेज वैल्यू ठीक है एवरेज वैल्यू मेजर करता है इसलिए हम इसमें डायरेक्टली ए सी नहीं दे सकते हैं वर्णा क्या होगा जीरो के पास वाइब्रेट करेगा उसके अपने एवरेज वैल्यू के पास वाइब्रेट करेगा समझ में आया समझ में आया आप लोगों को तो इसका एवरेज वैल्यू निकाल दो ना बस 2.5 चलो बहुत लोग 2.5 सुपीरियर शर्मा का 23.42 ये तो गलत है सुपीरियर आपका इतना ज्यादा कैसे आएगा यार पांच इसका पांच एम्पियर मैक्सिमम वोल्टेज है यहाँ देखो पांच एम्पियर मैक्सिमम गया है तो ट्वेंटी थ्री पॉइंट इतना कैसे आएगा थोड़ा थोड़ा कॉमन सेंस यूज करो यार इसका जो भी आंसर आएगा पांच के अंदर ही आएगा ना तुम सोचो पांच के अंदर आएगा भले पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो एक लॉजिकल थाउट लाओ ना कि इसका आंसर पांच से तो अंदर ही आने वाला है चाहे जो हो जाए समझ में आ गया ये चीज पांच से एक्सटीट क्यों कर रहे हैं एक्सीट क्यों कर रहा है फाइव पॉइंट सिक्स सर मेरा नाम एक बार लीजिए सर प्लीज अबके okay, अंकुर सरकार आपका नाम मैंने ले लिया आप भी बनाओ फिर इसको चलो आपका नाम भी ले लिया जल्दी तुम बना दो फिर मैं नाम ले लिया आपका कोई नहीं आप भी नाम का मतलब खतरनाक गेट में फोलो फिर सब जगह आप ही का नाम होगा टेंशन मतलब अंकुर सरकार ठीक है सरकार आप बनाओगे चलो मतलब बहुत लोग का आंसर नहीं आया इट्स वेरी सैड क्या हो रहा है आप लोगों के साथ ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है क्या ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है क्या आप लोग से सुपीरिया ने भी गलत आंसर दिया यार ऐसे कैसे हो चलेगा फिर मतलब सही देना चाहिए था सिट का अभी तक आंसर नहीं आया है किरण पाटिल 4.92 चलो ट्राई तो किया एटलीस्ट पांच के अंदर तो है लेकिन गलत गलत है ठीक है ना तुम सोचो यार इसका मतलब इतना आसान क्वेश्चन है यार कुछ करना ही नहीं है इंटीग्रेशन आपसे नहीं हो रहा ना एवरेज में क्या निकालते हैं एवरेज क्या होता है बता यार जीरो से टी वन अपॉन टी जो सिग्नल है आपका एफ टी डी टी यही तो निकालना है भाई समझ में आया यही तो निकालना है आपको एक बार इंटीग्रेशन करोगे जीरो से फाइव फिर इसका लोगे इसका आपको पता इक्वेशन ठीक है इसका भी इक्वेशन पता है समझ में आए ये साइन भी तो है देखो अच्छे से लेकिन साइन वेव कहां से कहां तक लेना पाई से टू पाई तक का लेना है क्लियर ये चीज फिर निकालो क्यों नहीं आ रहा इसका आंसर भाई क्यों नहीं आ रहा इसका आंसर मैंने बता दिया भाई किसका आंसर आ जाना चाहिए आसानी से कोई दिक्कत ही नहीं यहां पर देखो साइन वेव है बट यहां से किसका लेना सिर्फ पाई से टू पाई तक का लेना है ठीक है ना क्योंकि जीरो से टू पाई तो जीरो ही आएगा भाई से पाई में कुछ और सिग्नल है तो इसका पर पुट करोगे ना बस यही तो निकालना यही आपका दे देगा आई एवरेज कोई इसमें परेशानी आना नहीं चाहिए ओके मैं समझ में आ गया आप लोगों का कि आप लोग रिवीजन नहीं कर रहे चलो कोई बात नहीं सर सॉरी आंसर इज 1.866 ओके मतलब इतना गंदा रिस्पॉन्स इतने डिफरेंट आंसर्स मतलब आपका सिली मिस्टेक भी हो रहा है आप लोग सोचो आपका दो तीन आंसर आ रहा है मतलब सिली मिस्टेक हो रहा है ठीक है कुछ लोगों का पांच से ज्यादा आ जा रहा है तो आप लॉजिकली सोचो आप ऑब्जर्वेशन में वीक हो ठीक है ऑब्जर्वेशन पार्ट में वीक हो किसी भी क्वेश्चन को देख के इतना ऑब्जर्वेशन होना चाहिए कि इसका आंसर किसके रेंज में आएगा मतलब इस टाइप के क्वेश्चन बता रहा हूं हर एक क्वेश्चन में अप्लाई नहीं होगा लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना उसको देख के बताओगे इसका आंसर तो कुछ इस रेंज में ही आएगा ठीक है एक ये बेसिक थिंकिंग तो होना चाहिए क्वेश्चन को देख के इसका मतलब आपका अंडरस्टैंडिंग और अच्छा है ये सेवन पॉइंट एट फाइव अपॉन टू पाई इसका कैलकुलेट करो सुप्रिया मुझे एग्जैक्ट आंसर बताओ आप लोग पाई रैम्प प्लस हाफ साइन वेब होगा क्या वही तो गिवन है भाई रैम्प है फिर यहां से क्या है साइन वेब स्टार्ट है ठीक है समझ में आ गया इसका एवरेज वैल्यू पूछ रहे हैं हम इसका एवरेज वैल्यू में क्यों दिक्कत आ रहा है आप लोगों को इन्फोनाइट आएगा सर ओके okay. अरे नहीं इसको मान लो ना आगे तक गया सो सो ऑन फिर से ऐसे रहेगा फिर से ऐसे रहेगा एक पीरियडिक सिग्नल मान लो उसको, तब नहीं आएगा ना आपका पीओडिक सिग्नल है ठीक है ऐसा मत समझो वो पीओडिक है भाई माइनस जीरो पॉइंट सिक्स एट ओके लग रहा है इसका आंसर सही है धर्मा टेक लाइफ का चलो 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 सर कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिए थे चलो कोई बात नहीं प्रमोद यादव माइनस फाइव गलत है भाई गलत है गलत है आप लोग एकदम गलत कर रहे हो एकदम लगा नहीं पा रहे हो उसको कैलकुलेट करो कैलकुलेट करो ऐसे नहीं चलेगा कैलकुलेट करो आप लोग कैसे चलेगा ऐसे काम इसका स्लोप निकालने नहीं आ रहा क्या स्ट्रेट लाइन का जो रैम सिग्नल दिया स्लोप क्या होता है वाई अपॉन एक्स वाई क्या है फाइव है ठीक है वाई क्या आपके पास फाइव अपॉन एक्स में क्या है पाई क्लियर ये चीज यही है ना गिवन ठीक है इन टू क्या होगा ओमेगा टी ओमेगा टी होगा याद रखना एक्स में ओमेगा टी है समझ में आ रहा है ओमेगा टी यही तो आपका ये वाला सिग्नल हो गया वाई ओमेगा टी क्लियर है ये चीज इसको एक साथ रखना ये इसका स्लोप हो गया इसका भी निकाल लो इंटीग्रेट कर दो आंसर लाओ यार तुम लोग चलो मुझे समझ में आ गया आप लोग से आंसर नहीं आएगा चलो कोई नहीं अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि मुझे मेन टॉपिक पर आना है जो ड्यूल स्लोप है आप सब ट्राई करो उसको और मस्त तरीके से आंसर दो ठीक है बहुत ज्यादा मैं अभी बता दे रहा हूं आप लोगों को भले आपको खराब लगे अच्छा लगे पता नहीं रिवीजन में बहुत ज्यादा आप लोग लैक कर रहे हो ठीक है आसान क्वेश्चन का रिवीजन मत किया करो जो एक बार बना चुके हो ठीक है खुद से डिफरेंट डिफरेंट आपके पास बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आए हुए जहां वेबफॉर्म का एवरेज पूछा हुआ पीएमएमसी से ठीक है लेकिन आप आपने कभी ना खुद से अलग अलग वेबफॉर्म लगा के नहीं निकाला ठीक है यहां पर क्या एक दे दिया है एक एक आपके पास क्या है स्ट्रेट लाइन है देखा दो अलग अलग वेबफॉर्म दे दिया पहले आपको कहीं कहीं हो सकता है सिर्फ स्ट्रेट लाइन दे ठीक है स्ट्रेट लाइन दे कुछ इस टाइप से देगा ठीक है कुछ इस टाइप से आपने बनाया होगा इसका एवरेज वैल्यू क्या होगा सिर्फ स्ट्रेट लाइन है लेकिन यहां पर कॉम्बिनेशन है तो ये खुद से करना पड़ेगा ना ये इंटरेस्ट लोगे तभी करोगे अभी किए होते तो आराम से बना देते हैं इसको चलो कोई नहीं कोई नहीं हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना मेन टॉपिक जो है ड्यूल स्लोप टाइप ठीक है आप लोग उसको घर में बनाना कल मुझे आंसर चाहिए ठीक है अगर घर में कल पूरे आज दिन तक मैं नहीं बना पाए तो फिर मैं आप लोग को बताता हूं फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा आप लोगों के साथ ठीक है फिर मैं बताऊंगा आप लोग को पता चलेगा धर्मा क्योंकि बहुत लोगों का गलत आंसर है इसीलिए मैं आंसर अभी नहीं बताऊंगा समझ में आ रहा वरना सब डीमोटिवेट हो जाएंगे मतलब ट्राई करो खुद से ट्राई करो फिर आंसर लाओ क्लियर है चलो अब हम लोग देखते हैं ठीक है क्लियर है सबको तो कल मैंने क्या बोला था अच्छा इसमें कमेंट तो देखना ही पड़ेगा कल जो मैंने बोला था क्या मैंने बोला था देखो अच्छे तरीके से देखो कल मैंने क्या बोला था भाई कि आपके पास कुछ इस टाइप से है इंटीग्रेटर ठीक है क्लियर ये चीज ये था इंटीग्रेटर आपके पास ओके okay. कोई दिक्कत नहीं यहां पर मैंने क्या लगाया था वी ए और एक स्विचिंग जो होता है वो कहां स्विच होता है v reference पे, दोनों का पुलरिटी डिफरेंट होता है ठीक है ये कंपेरिटर में जाता है ठीक है अब यहां पर भी एक चीज आपको बताना बाकी है आप लोगों ने पूछा ही नहीं सर प्लस वी सेट माइनस वी सेट आप लोगों ने पूछा ही नहीं और मैं भूल गया था बताने के लिए चलो कोई नहीं आज मैं खुद ही बता देता हूं आप लोग का ध्यान कहीं और ही रहता है काउंटर ठीक है क्लियर है कंट्रोलर रहेगा यहां पे ओके okay, क्लियर था ये चीज ये चीज तो सबको क्लियर है कि इसमें प्रॉब्लम है ठीक है ओके okay, क्लियर है चलिए चलो तो कल का क्या था मेरा क्वेश्चन आप लोगों ने ट्राई किया क्या मैंने बोला था अगर वी रेफरेंस को मैंने क्या बोला था अगर वी रेफरेंस को आप फिक्स करते हो मान लेते हैं कितना आ, चार वोल्ट पे चार वोल्ट पे आपने वी को फिक्स किया तो मैंने बोला था पर्टिकुलर सर्किट ऑफ ड्यूल टाइप एडीसी का रेंज होगा वो क्या दे सकते हो आप लोग बताओ माइनस फोर वोल्ट टू जीरो दे सकते हो कि नहीं अब मैंने बोला था कि घर पे ट्राई करना क्या ट्राई करना घर पे घर पे ये ट्राई करना कि अगर मैं सर यहां पर माइनस फाइव वोल्ट देता हूं अगर माइनस फाइव वोल्ट देता हूं वी को तो जो आउटपुट आएगा आउटपुट बताओ वी नॉट जो वेब फॉर्म आएगा वो क्या आएगा क्या दिख रहा है आपको क्या एक रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा या क्या होगा क्या किसी ने ट्राई किया और प्लॉट करने की कोशिश की कि क्या आने वाला है जल्दी मुझे बताओ टू पॉइंट पाएं, टू पॉइंट श्योर सर एकदम लॉक कर दीजिए सर इससे गलत नहीं हो सकता सुपीरिया का पॉइंट माइनस जीरो पॉइंट थ्री फोर आया है ओके okay. सुपीरिया का सही है शायद सुबादीप मॉंडल का भी सही है ठीक है बाकी लोग आप अच्छे से देखो कुछ प्रॉब्लम है आपके आंसर में ठीक आदित, है आदित्य आपका क्वेश्चन गलत आपका आंसर गलत है सॉरी चलो इसको बता दो जल्दी से जल्दी से इसको बता दो आप लोग ये सब ने किया कि नहीं किया अब भूल जाओ आप रिविजा नहीं कर रहे हो एक बार रिवाइज करो फिर इसको बनाओ आप भूल जाओ उस क्वेश्चन को अब आ जाओ फ्रेश माइंड ठीक है कोई बात नहीं डीमोटिवेट मत होना बहुत लोगों ने मतलब होना चाहिए बट हो मत आप लोग क्योंकि आप लोगों को बनाना चाहिए था एक सिंपल सा क्वेश्चन था पीएमएमसी के ऊपर बेस्ट ठीक है चलो कोई बात नहीं इसको भूल जाओ अब इस पर कॉन्सेंट्रेट करो आज का बहुत इंपॉर्टेंट है मजा आएगा कि सर अच्छा ऐसा इसलिए हो रहा है ठीक है तो अभी मजा आने वाला आप लोग बताओ ट्राई किए कि नहीं इसको जल्दी बताओ इसको ट्राई किए एक्सपोनशियली इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ग्राफ ग्राफ क्या होता है ग्राफ ओके ग्राफ एक्सपोनशियली इंक्रीजिंग एक्सपोनशियली इंक्रीजिंग नहीं होगा मेरे भाई Exponentially increasing क्यों होगा जब हम रेंज में दे रहे थे तो मेरे पास स्ट्रेट लाइन तो आता, था दो स्ट्रेट लाइन दो डिफरेंट स्लोप आ रहा था याद है क्या किया था मैंने जब मैंने रेंज में दिया था इनपुट va ए का तो मेरे पास ग्राफ कैसा आया था कुछ बताओ सबको याद है या नहीं है? याद है यहां देखना नेगेटिव दिए इनपुट तो पॉजिटिव आउटपुट आएगा क्लियर है यानी ये कुछ इस टाइप से आया था या नहीं आया था बताओ स्ट्रेट लाइन आया था इंक्रीजिंग नहीं आएगा और कोई किसी ने ट्राई किया क्या हाँ बिल्कुल ने मिस्टर आप लोगों को बताया इट्स वेरी बैड आपको एवरेज वैल्यू निकालना चाहिए सिंपल सा क्वेश्चन है आप लोग रिवीजन नहीं कर रहे हो दिस इज वेरी बैड ओके कोई बात नहीं कोई बात नहीं आपको डिमोडेट नहीं होना एक बार रिवाइज करो ठीक है और ध्यान रखो लर्निंग करो थोड़ा ध्यान रखो नेक्स्ट लेक्चर से टेंशन मत लो आप लोग चलो रैम जैसा इंक्रीज एंड डिक्रीज होगा सर गुड प्रकाश ठाकुर वेरी गुड गुड वेरी गुड बाकी लोगों ने ट्राई किया क्या प्रकाश ठाकुर बहुत सही बहुत सही गुड सही किया आपने ठीक है उसको मैं आप ही दिखाऊंगा ठीक है और आप भी देखना जो मैं बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ ठीक है कोई भी डाउट आए बीच में तो बिल्कुल रेज करें मैं एक एक का कमेंट देख रहा हूँ यार कि किसी का छूटना नहीं चाहिए इसलिए टैबलेट में देख रहा हूँ मोबाइल में किसी का छूट भी ज्यादा दिखता नहीं था समझ में आ गया ना एक एक का दिख रहा है क्लियरली आप लोग तो जल्दी से बताए इसको ट्राई किया किसी ने या नहीं किया एक ने तो किया एक ने सही भी आंसर लाया वो क्वेश्चन लास्ट में बताना चाहिए था सर अब वही दिमाग में घूम रहा है अरे प्रमोद यादव कोई बात नहीं मैंने स्टार्टिंग में इसलिए किया क्योंकि आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके थे और एक सिंपल सा क्वेश्चन था मुझे लगा तुमने तुम लोग फटाफट रिवीजन करोगे और खुश हो जाओगे चलो हाँ हो गया आगे बढ़ते हैं लेकिन तुम लोग यार सैड हो गए चलो ठीक है मैं लास्ट में करूंगा ठीक है चलो कल से लास्ट में होगा ठीक है कल से लास्ट में रिवीजन क्वेश्चन में दूंगा सबको याद रखना कल से लास्ट में दूंगा आज मुझसे गलती होगी मैं पहले दे दिया आप लोग डीमोटिवेट हो रहे हो कोई बात नहीं थोड़ा एक्साइटमेंट लाओ ठीक है कोई बात नहीं वापस आ जाओ वापस आ जाओ ठीक है रिवीजन बाद में कर लेना वापस आ जाओ मैं लास्ट लास्ट सेशन के में लूंगा ठीक है सेशन के लास्ट में, में रिविजन क्वेश्चन डालूंगा ठीक है हर एक वीडियो में सेशन के लास्ट में रिविजन वीडियो जाने वाला है रिविजन क्वेश्चन जाने वाला ठीक है आपको घर पर भी रिजन करने का जरूरत नहीं यहीं पर खत्म हो जाएगा सब कुछ अभी आंसर बता दिए सर थोड़ा सब्र करो भाई सब्र करो ठीक ट्राई करो मेरे बताने से तुम सीख नहीं जाओगे याद रखना समझ में आ रहा है क्योंकि ये इतना बड़ा चीज नहीं है ये आसान सा चीज है जो आपको खुद करना है ठीक है और अभी मत इस पे ध्यान दो अभी लेक्चर पे ध्यान दो जो मैं बता रहा हूं सब ने ये ट्राई किया या नहीं किया मुझे जल्दी से बता दो आप लोग रैम फंक्शन सर राखी बोल रहे हैं रैम फंक्शन मतलब क्या किस टाइप का क्या इस टाइप का ही आएगा रैम फंक्शन कैसे रैम फंक्शन तो ऐसा होता है ये बोल रहे हो आप क्या सो ऑन ये चलता रहेगा यही बोल रहे हो क्या यही होगा क्या जल्दी बताओ ये नहीं होगा ये गलत है प्रमोद समझ में आ गया ना भाई कोई टेंशन ले लो ठीक है चिल रहो चिल रहो कभी दिमाग को शांत रखना जरूरी है ठीक है शांत रहो धीरे धीरे आएगा टेंशन मत लो होता है होता इतना भी आसान क्वेश्चन नहीं दिया रिविजन में कि बहुत सारा आसान था था थोड़ा टफ क्योंकि अलग अलग, अलग थे बट कोई बात नहीं एक बार प्रैक्टिस करोगे ना इंटीग्रेशन का एवरेज निकालने का जो आता है तो हो जाएगा इसका ज्यादा वरी करने की जरूरत नहीं है ठीक है चिल रहो ठीक है खुश रहो अच्छे से रहो और इस पर ट्राई करो इस क्वेश्चन को बताओ ये आंसर आ रहा है क्या सबका ये आंसर आ रहा है क्या सबका जो कल दिया था मैंने सुपीरिया बताओ अब अच्छे से क्लियर करो आपने क्या लिखा है रैम फंक्शन होगा सर किस टाइप का मतलब एकदम एग्जैक्टली exactly ऐसा ही होने वाला या कुछ डिफरेंट होगा या कुछ डिफरेंट होगा एक का सही आया था प्रकाश ठाकुर जी का सही आंसर आया था गुड चलो मैं स्टार्ट कर दू स्टार्ट कर दू मतलब आप लोग आंसर नहीं दोगे मैं ये मान लिया आप लोग आंसर नहीं दोगे चलो ठीक है मैं स्टार्ट ही कर देता हूं फिर चलो ठीक है ठीक है मैं स्टार्ट ही कर देता हूं आप लोग आंसर नहीं दोगे आई एम गेटिंग डाउट अबाउट डब्ल्यू ओमेगा सिड वाई यू आर इन डाउट क्यों इतना डाउट है ट्राई करो उसको अगर डाउट है तो हमेशा ध्यान रखो ओमेगा टी और टी में अगर दिया हो तो इंटीग्रेशन में क्या क्या चेंजेस आएंगे उसका ध्यान रखो थोड़ा ठीक है क्योंकि आप हमेशा आपको बचपन से क्या देते टी में ओमेगा टी देंगे तो दिक्कत हो जाएगा फिर कुछ है ही नहीं ओमेगा टी दे दिया तो क्या दे दिया दे दिया तो दे दिया क्या दिक्कत है चलो कोई बात नहीं ट्राई करो आप लोग ट्राई करने वाला क्वेश्चन है ठीक है मेरे बताने से आप लोग तो नहीं सीखोगे खुद करोगे तो बिल्कुल सीखोगे और कल मैं आंसर तो बताऊंगा ही अगर सब ने बोला कि सर सॉल्यूशन भी लिखिए तो लिखना पड़ेगा बट मैं ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं कि मुझे लिखना पड़े सॉल्यूशन समझ में आ रहा है ना सब समझ आ रहा है सर चलो नो सर पीरियोडिक नहीं होगा चलो प्रियोडिक नहीं होगा गुड 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 सुप्रिया नहीं होगा तो क्या होगा आप लोग बताओ अब देखना इसको ध्यान से अच्छे से समझा मैं अपना टैबलेट रख रहा हूं ठीक है मैं कमेंट नहीं दिख पाऊंगा किसी का मैं अभी समझाने पे फोकस कर रहा हूं ठीक है अभी समझाने पे सिर्फ फोकस कर रहा हूं क्लियर है चलो तो मुझे सबसे पहले क्या बताना है इसमें ध्यान से सुनना सबसे पहले क्या समझाना है इसमें इस, इस सर्किट में जो आपके पास यहां पर ड्यूल स्लोप टाइप एडीसी का जो सर्किट है ठीक है जो ड्यूल टाइप ड्यूल स्लोप टाइप एडीसी का सर्किट है उसमें क्या क्या बातें आपको एकदम से पता होना चाहिए इस सर्किट में क्या पहला बात पहला बात स्विचिंग जो हो रहा है स्विचिंग कैसे हो रहा था यह पता होना चाहिए स्विचिंग कैसे हो रहा था बताओ यह पता होना चाहिए सब बताओ स्विचिंग कैसे हो रहा था कौन स्विच कर रहा था यह कंट्रोलर ठीक है लेकिन कंट्रोलर को कौन सिग्नल दे रहा था कि स्विचिंग अप करो ठीक है कौन सिग्नल दे रहा था कि स्विचिंग अप करो जब काउंटर जीरो 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 हो जा रहा था ठीक है ना जब काउंटर रीसेट हो जा रहा था रीसेट वैल्यू ले रहा था स्टार्टिंग में ये जीरो सॉरी स्टार्टिंग में ये जीरो 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 से स्टार्ट होता था अगर हमें तीन बिट का लिया यहां पर तो ठीक है इनपुट वोल्टेज से कनेक्ट किया तो ये कहां तक आया जीरो जीरो वन से होते हुए वापस जीरो 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 जब आया तो कंट्रोलर को सिग्नल गया कंट्रोलर ने स्विच चेंज कर दिया भाई स्विच को ऐसे कर दिया ठीक है अब क्या हुआ फिर से काउंटिंग स्टार्ट हुआ जब वी रेफरेंस पे कनेक्ट हुआ था स्विच और फिर से काउंटिंग स्टार्ट हुआ जीरो जीरो सो वन अब अब अगर वे वापस से यहां पर जीरो 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 आता है तो अगेन कंट्रोलर को सिग्नल देगा काउंटर और कंट्रोलर क्या बोलेगा स्विच कर दो अगेन वीए पे चला जाएगा कहां चला जाएगा? VA पे चला जाएगा जाएगा पे पे तो देखो यहां पर VA पे था यहां पर पर था स्विच वी रेफरेंस में आ गया और अगर मैं एक वोल्टेज रखूंगा जो कि वी रेफरेंस का बराबर होगा तो अगेन यहां पहुंचेगा ही जीरो जीरो पे पहुंचेगा और जैसे ही पहुंचेगा अगेन स्विच कर देगा तो अगेन वीए पे आ जाएगा स्विच समझ में आ गया और अगेन यहां पर फिर काउंटिंग स्टार्ट होगा तो मेरा यही समझाना है आप लोगों को कि स्विचिंग कब हो रहा है जब कब काउंटर अपना जीरो 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 वैल्यू पे आ रहा है रिसेट वैल्यू पे आ रहा है तो वो स्विच कट दे रहा है ठीक है अगर स्विच यहां पर होगा तो स्विच यहां चला जाएगा अगर यहां पर जीरो आ गया फिर यहां चला जाएगा समझ में आ गया ये चीज क्लियर है आप लोगों को अच्छे से क्लियर है या नहीं क्लियर जल्दी मुझे बताओ अच्छे से क्लियर है कि नहीं स्विचिंग समझ में आ गया इस सर्किट में स्विचिंग कौन कर रहा है कंट्रोलर कंट्रोलर कौन दे रहा है सिग्नल अब काउंटर इसका मतलब मेरे हाथ में नहीं है ये मेरे हाथ में नहीं है स्विचिंग समझ में आ गया ना ये मेरे हाथ में नहीं है ये तो उसके हाथ में है काउंटर जब जीरो हुआ जीरो 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 वैल्यू पे गया वो स्विच कर देगा तुरंत समझ में आ गया इसी से अब वो क्वेश्चन बनेगा जो मैंने बोला था बनाने के लिए अगर आप ज्यादा रखते हो वोल्टेज तो क्या होगा तो क्या होगा समझ में आ गया क्लियर ये चीज स्विचिंग समझ में आया सबको स्विचिंग मेरे हाथ में नहीं आपके हाथ में नहीं है ये सर्किट आपने डिजाइन कर दिया सर्किट के हाथ में है भाई सब कुछ आप मैनुअली स्विच नहीं कर सकते हो इस सर्किट में आप मैनुअली स्विच नहीं कर सकते हो इस चीज का ध्यान रखना ठीक है ना बाद में ये काम आएगा चलो सबको समझ में आ गया वेरी गुड वेरी गुड चलो अब क्या समझाना है सर इसमें अब देखो अब क्या समझाएंगे ये आपको अच्छे से समझ में आ गया चलो अब एक चीज और ध्यान रखना इस सर्किट में हमेशा कि कंप्य जो यूज करेंगे कंप्य जो यूज करेंगे वो किस टाइप का कंप्यूटर यूज करेंगे समझ में आ रहा है वो किस टाइप का कंप्यूटर यूज करेंगे तो देखो यहां पर जब आपने नेगेटिव इनपुट दिया था तो आउटपुट पॉजिटिव आया था ठीक है तो आउटपुट पॉजिटिव कब आया था जब ये पास करने दिया था सिग्नल को ठीक है जब ये वन हुआ था फॉर पॉजिटिव वैल्यू वी नॉट जब पॉजिटिव था तब कंप्यूटर का आउटपुट वन था कब समझ में आ गया ना जब वी नॉट पॉजिटिव होगा तभी तो ये पास करने दिया था ठीक है जब हम इनपुट नेगेटिव लिए इसका मतलब यहां पर पॉजिटिव आएगा और हम चाह रहे आए तो कैसा कंपेरेटर लेंगे तो कैसा लेंगे इस पर भी बात करना बहुत जरूरी है समझ में आ रहा तो मैं नॉन इन्वर्टिंग कंप्यूटर मतलब क्या इसका इनपुट नॉन इन्वर्टिंग में डालूंगा पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव के लिए वन मिले अगर पॉजिटिव के लिए माइनस वन मिल रहा है मतलब जीरो मिल रहा है यहां पर इसका मतलब होता है इन्वर्टिंग कंप्यूटर यहां पर कौन सा कंप्यूटर यूज करेंगे नॉन नॉन पॉजिटिव में दिया तो वन आया समझ में आ रहा है यहां मतलब जीरो वोल्ट वो पे, पे समझ में आएगा ये कैसा आपके पास कंप्य है ये नॉन इन्वर्टिंग है नॉन इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग का क्या होता है फंक्शन भाई कि आप अगर पॉजिटिव दोगे इनपुट इन्वर्टिंग में तो आउटपुट क्या मिलेगा आपको वन अगर नेगेटिव दोगे तो आउटपुट क्या मिलेगा जीरो ठीक है ये होता है फंक्शन आपके पास नॉन इनवर्टिंग कंपरेटर का क्लियर यह चीज ये चीज ध्यान रखना अगर मैं इनपुट पॉजिटिव देता तो आउटपुट बताओ नेगेटिव मिलता अब मैं चाहता हूँ निगेटिव इनपुट के लिए कंपेटर के नेगेटिव इनपुट के लिए मुझे वन वैल्यू मिले तो मैं क्या यूज करता इन्वर्टिंग कंपरेटर इनवर्टिंग करता तो यहां नम, प्लस है ना यहां माइनस करो सिर्फ ठीक है यहां माइनस कर दो इधर प्लस कर दो ये चीज क्लियर है सबको कौन सा कंप्यूटर यूज करेंगे इनपुट के अकॉर्डिंग सर फिर काउंटर में कंप्लीट साइकिल नहीं बनेगा राखी गुड कंप्लीट साइकिल नहीं बनेगा देखते क्या बनेगा फिर ठीक है क्या बनेगा तो देखते हैं अच्छे से क्लियर करते हैं इसको खत्म करते हैं ठीक है कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना क्या क्या यूज करना है अगर पॉजिटिव इनपुट रहा तो कौन सा कंप्यूटर यूज करेंगे इन्वर्टिंग कंप्यूटर अगर नेगेटिव इनपुट रहा यहां पे नेगेटिव यहां पे रहा तो कौन सा यूज करेंगे बता दो यस yes, या नो जल्दी से बता दो yes, यस या, yes, या नो जल्दी से बता दो और खत्म करो चलो मैं सब डिलीट कर रहा हूं ठीक है चलो अब देखना अब मैं कुछ डाटा लेके आपको समझाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए ठीक है चलो ठीक है इसको मैं छोटा कर रहा हूं और ज्यादा छोटा होगा ही नहीं तो एक काम कर रहा हूं मैं फिर से ड्रॉ कर रहा हूं ठीक है थोड़ा सा वेट कर लो थोड़ा सा वेट कर लो मैं फिर से ड्रॉ कर रहा हूं ठीक है चलो मैं फिर से ड्रॉ करने वाला हूं आपके पास देखना फिर से ड्रॉ कर रहा हूं मैं सर्किट ठीक है सबसे पहले क्या आएगा बताओ यहीं से याद कर लो सब कुछ कर लो यहां पर क्या होगा इंटीग्रेटर एक लगेगा यहां पर रजिस्टर आर ठीक है एक लगेगा कैपेसिटर सी ठीक है या नहीं ठीक है नेगेटिव फीडबैक तो देना ही था तभी हम बीजीसी अप्लाई करेंगे ठीक है तो नेगेटिव टेनल में मैंने कनेक्ट किया है चलो यहां पर था क्या आपके पास वी ए और एक और क्या था वी रेफरेंस क्लियर है या नहीं सबको क्लियर है यहां पर कौन सा कंप्यूटर यूज करेंगे देखो अगर मैं अभी ले रहा हूँ मान लेते हैं नेगेटिव इनपुट ठीक है नेगेटिव इनपुट के लिए नेगेटिव के लिए यहां पर जो वी आउट आएगा वो पॉजिटिव आएगा इंटीग्रेटर का आउटपुट पता है ना यहाँ पॉजिटिव आएगा अब मैं चाह रहा हूँ पॉजिटिव सिग्नल पास करे आगे यानी कि कंप्यूटर का आउटपुट वन मिलेगा तभी तो पास करेगा तभी तो काउंट और करेगा काउंट समझ में आ रहा तो मैं क्या बोल रहा हूं यहाँ पर पॉजिटिव है तो यहाँ पर इसको लगा देते हैं हम प्लस से नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल से और इन्वर्टिंग टर्मिनल को जीरो वोल्ट पे रख देंगे ये हो गया कंपेरेटर ठीक है क्लियर है ये वी सेचुरेशन हो गया प्लस वी सेचुरेशन और माइनस वी सेचुरेशन ठीक है ये कहा जाएगा एंड गेट में भाई एंड गेट को यहां वन मिलेगा तो वो क्लॉक सिग्नल पास करेगा जो इसके दूसरे टर्मिनल से लगा हुआ है क्लियर है ये चीज चलो ये कहा जाएगा ये बोलेगा आप काउंटर ले लो काउंटर को देगा ताकि वो काउंट करना स्टार्ट करे भाई ठीक है अप काउंटर मैंने बोल दिया यहां पर ठीक है अभी मैं ले रहा हूं फॉर एग्जाम्पल थ्री बिट ठीक है थ्री बिट दे रहा हूं चलो अब यहां पर क्या रहेगा कंट्रोलर रहेगा ठीक है क्लियर है ये चीज ठीक है चलो अब देखना मैं क्या क्या ले रहा हूं इसका जब इंटीग्रेशन करते थे तो क्या आता था एक टर्म आता था आर सी आता था कि नहीं जल्दी मुझे बताओ जब स्विच वी ए कनेक्ट था तो जो वी नोट था वो क्या आता था बताओ वी नोट क्या आता था माइनस वी ए अपॉन आर सी इन टू टी और टी क्या आता था टू टू दावर एन टी सी क्लॉक यही होता था या नहीं होता था जल्दी मुझे बताओ यार आप लोग वी ए नॉट यही होता था ना अब मैं कुछ अज्यूम कर रहा हूं ताकि आसान हो समझना क्या अज्यूम कर रहा हूं कि टी क्लॉक का वैल्यू गिबन है मान लेते हैं one second. कितना गिवेन है एक सेकेंड है RC का भी वैल्यू मैंने मान लिया जो टाइम है वो वन है क्लियर ये चीज ठीक है मैं डाटा एज्यूम करता हूं कि आपको समझ में आया अच्छे तरीके से समझ में आया आपको समझ में आया अच्छे तरीके से मैं ये एज्यूम कर रहा हूं तो चलो अभी और क्या मैं किया देखो अच्छे से देखो रेफरेंस का भी वैल्यू मान लेते हैं चार मैंने फिक्स कर दिया चार वोल्ट पे मैंने फिक्स कर लिया अब VA क्या ले रहा हूं मैं मैं वीए इसलिए ले रहा हूं माइनस सिक्स वोल्ट देखो मैं रेंज से बाहर आ गया मुझे लेना क्या चाहिए था जीरो से माइनस फोर वोल्ट के बीच में ठीक है लेकिन मैं माइनस सिक्स वोल्ट ले लिया अब मैं देखूंगा आउटपुट क्या है यही था ना आप लोगों का क्वेश्चन जो मैंने कल दिया था अब मैं देखूंगा वी नॉट क्या है ठीक है तो यहां पर मैं लिख देता डाटा वी ए क्या लिया मैंने माइनस सिक्स वोल्ड ठीक है वी रेफरेंस क्या लिया मैंने सर फोर वोल्ट सबको क्लियर यहां तक जल्दी मुझे बताओ चलो ठीक है ओके हम लोग आगे बढ़ते हैं ये ले लिया डाटा अब इसको पुट कर दो यहां पर वी नोट बताओ कितना आएगा ए का वैल्यू कितना था माइनस सिक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो आएगा सिक्स अपॉन आरसी का वैल्यू कितना लिया मैंने वन इन टू 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 दावर एन क्या लिया था तीन बीट यानी कि एन का वैल्यू थ्री यानी कि टू टू दी पावर थ्री टी क्लॉक का वैल्यू कितना लिया था वन तो 1. ये आ गया वन क्लियर ये चीज बताओ यहां से कितना आ गया एट इंटू सिक्स फोर्टी एट वोल्ट फोर्टी एट वोल्ट क्लियर है अब इसके कॉरिस्पॉन्डिंग में डायग्राम भी बना लेता हूं आपके पास इसके कोरोस्पॉ डायग्राम भी बना लेता हूं यहां पर यह देखो अच्छे तरीके से यह कुछ इस टाइप से आएगा यहां पर क्या हो जाएगा ठीक है समय कितना होगा उस समय बताओ समय समय कितना होगा उस समय? टू टू दावर एंटी क्लॉक मतलब कितना आठ सेकेंड आठ सेकेंड हुआ क्या यहां तक सबको समझ में आया अभी फर्स्ट इंटीग्रेशन हुआ है समझ में आ रहा है अभी फर्स्ट इंटीग्रेशन हुआ है यहां पे ठीक है जब मैं इनपुट को यहां कनेक्ट करके रखा हूं किस पे माइनस सिक्स वोल्ट पे ये सबको क्लियर है क्या माइनस सिक्स पे कनेक्ट किया आउटपुट इस वे, इस टाइप से दिखेगा मैंने वैल्यू वैल्यूम किया और कुछ मेरे पास आउटपुट फोर्टी एट वोल्ट आया उसको मैं यहां तक वो भी कर दिया प्लॉट भी कर दिया ठीक है उस समय बताओ काउंटर क्या क्या वैल्यू लिया होगा स्टार्टिंग से स्टार्टिंग से बताओ ये भी देख लो काउंटर के बारे में देख लो यहां पर काउंटर काउंटर के साथ क्या हो गया क्या हुआ होगा स्टार्टिंग में तो रीसेट पे रहेगा ठीक है पहला टी क्लॉक फर्स्ट टी क्लॉक मिला तो जीरो जीरो वन पे आया होगा सेकेंड टी क्लॉक मिला तो जीरो वन जीरो पे आया होगा ठीक है थर्ड टी क्लॉक मिला तो जीरो क्लियर ये चीज अब देखो अब क्या आया फोर्थ टी क्लॉक तो वन जीरो जीरो पे आया होगा वन जीरो वन पे कब आएगा फिफ्थ टी क्लॉक में ठीक है वन वन जीरो पे क्या आएगा सिक्स टी क्लॉक में वन 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 पे क्या आएगा सेवन क्लॉक में और इसके बाद क्या आएगा ये होगा रीसेट इसके लिए भी तो एक टी क्लॉक एटी क्लॉक और इस समय क्या हो जाएगा स्विचिंग हो जाएगा स्विचिंग मतलब अब वी रेफरेंस पे कनेक्ट हो जाएगा स्विच ठीक है यहां पर कहां था स्विच वी ए पे था जिसका माइनस सिक्स वोल्ट था वोल्टेज ठीक है वी रेफरेंस का वोल्टेज कितना है चार वोल्ट अब चार वोल्ट से कनेक्ट हो गया है आपके पास क्लियर ये चीज सबको यहां तक क्लियर है या नहीं बताओ किसी को यहां तक किसी में दिक्कत है नहीं ना एट टी मतलब क्या हो गया एट टी कितना हो गया एट सेकेंड एट सेकेंड यही तो मैंने दिखाया है यहां पर एट सेकेंड ठीक है एट सेकेंड यही तो दिखाया है यानी कि एट सेकेंड तक क्या हुआ काउंटर जीरो जीरो वन लिया एंड सो वन जीरो जीरो पे आ गया और मैंने बताया था स्विचिंग कब होता है जब जीरो जीरो पे पहुंच जाए जैसे ही जीरो जीरो पे पहुंचा स्विचिंग हुआ वी रेफरेंस पे आ गया स्विच जो कि चार वोल्ट पे कनेक्टेड है क्लियर ये चीज यहां तक किसी को भी दिक्कत एक एक चीज क्लियर है मैं एकदम अच्छे से बताने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप सब कुछ कनेक्ट कर पाओ समझ में आया ये चीज क्लियर ये चीज ठीक है पूरा वर्किंग क्लियर है पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है एक एक चीज अच्छे से कनेक्ट कर पा रहे हैं यस yes या नो जल्दी बता दो मुझे यस yes या नो जल्दी बताओ मैं देख रहा हूं तीन लोग का मैसेज आता है और बाकी लोग का नेट ही स्लो चल रहा है प्रिया कदम को समझ में आ गया जी सर चलो बहुत अच्छे प्रिया आप अच्छा पढ़ाई कर रहे हो गुड ऐसे ही पढ़ते रहो बहुत आगे तक जाओगे आप लोग सभी प्रकाश ठाकुर क्लियर है सर चलो पंद्रह एम्पियर ये कहाँ से किसका आंसर है भाई अंतेश्वर ये किसका आंसर है पंद्रह एम्पियर वट इज दिस बिहेवियर चलो कोई बात नहीं अब आगे हम लोग देखते हैं ठीक है यहां तक क्लियर है भाई सबको, ओके, अब खेल कब शुरू होता है, जब कनेक्ट होगा वी रेफरेंस पे स्विच, जो कि हो चुका है जो कि हो चुका है क्योंकि रीसेट वैल्यू आ चुका है काउंटर का जीरो 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 वी रेफरेंस में कनेक्ट हो चुका है तो सर अब इसको आप कनेक्ट कर दीजिए यहां पे ये लीजिए मैंने कनेक्ट कर दिया रेफरेंस में जो कि चार वोल्ट पे है अगेन आप बताओ मेरा इसका इक्वेशन बताओ इसका इक्वेशन क्या होगा इसका इक्वेशन क्या होगा जब फोर वोल्ट से कनेक्ट होगा, तो अगेन v output किस में दिखेगा आपको वी आउटपुट किस फॉर्म में दिखेगा बताओ माइनस वी रेफरेंस अपॉन आर सी इन टू टी यही तो होता है मेरे भाई यही तो होता है होता है कि नहीं चलो ठीक है वी रेफरेंस का वैल्यू कितना था सर रेफरेंस का वैल्यू था चार वोल्ट तो चार वोल्ट पुट कर दो ना माइनस चार आरसी का मैंने क्या किया था वन आरसी का वैल्यू मैंने समझो इनिशियली आउटपुट कहां है तो फाइनल वी आउटपुट क्या लिखोगे तुम वी नॉट फाइनल क्या लिखोगे जो इनिशियल वैल्यू था इनिशियल कितना था 48 वोल्ट्स पे था माइनस जो अब ये हो रहा है ठीक है सॉरी माइनस नहीं प्लस प्लस होगा ना इसका भी तो प्लस होगा प्लस कितना जो वी आउटपुट आप यहां पर लिखे हो जो आप यहां पर तो यह यह तो मिलेगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा ये किसके वजह से मिला वी रेफरेंस की वजह से ये किसके वजह से मिला था जल्दी मुझे बताओ इनपुट वोल्टेज की वजह से क्लियर है समझ में आ गया क्लियर है ओके चलो अब देखना ध्यान से भैया मेरे सब क्या देखना है देखो अगर वी रेफरेंस से कनेक्ट हुआ तो क्या हुआ होगा जल्दी से बताओ पॉजिटिव वैल्यू है इधर क्या जाएगा नेगेटिव की तरफ जाएगा लेकिन इनिशियली 48 था तो धीरे धीरे नीचे आएगा ये तो क्लियर सबको ठीक है इधर समझ में आया चीज नहीं सबको ये धीरे धीरे नीचे आएगा 48 से नीचे आएगा ठीक है 48 से नीचे आएगा मतलब 47, 46 so लेकिन वी नॉट जब वी रेफरेंस से कनेक्ट हुआ अभी भी क्या है पॉजिटिव ही है ना

लगेगा ना एट क्लॉक तो हो चुका है नाइन क्लॉक लगा अब देखो क्या होगा नाइन क्लॉक लगा अब यहां पर देखना क्या होगा यहां पर अगला काउंट करेगा टेन टी क्लॉक अगला काउंट किया इलेवन टी क्लॉक अगला काउंट किया भाई ट्वेल्व टी क्लॉक अगला काउंट किया थर्टीन टी क्लॉक अगला काउंट इसके बाद अगला काउंट किया फोर्टीन टी क्लॉक अगला काउंट किया फिफ्टीन टी क्लॉक ठीक है फिफ्टीन क्लॉक अभी मैं बोल रहा हूं अभी रुक जाओ अभी यहीं पे मैं स्टॉप कर रहा हूं पंद्रह टिकलॉक हो चुका है ठीक है तो मुझे बताओ एट से पंद्रह आने में मतलब कितना टिकलॉक लगा जब तक वी रेफरेंस कनेक्टेड था जब तक वी रेफरेंस कनेक्ट था एक दो तीन चार पांच छह सात सात क्लॉक लिया टी क्लॉक का वैल्यू कितना था मैंने वन सेकेंड कि सेवन सेकंड हो चुका अभी तक ठीक है अभी पुट करते इक्वेशन तो देखो आउटपुट क्या आने वाला आपके पास फोर्टी एट माइनस ट्वेंटी एट क्लियर है ट्वेंटी वोल्ड इसका मतलब क्या हुआ कि जब सर वी रेफरेंस में आपने कनेक्ट किया और सात सेकेंड स्पेंड हो चुका है उस समय जो आउटपुट आएगा वो कहा आएगा वो नीचे तो आएगा लेकिन यहीं पर अभी आएगा। यहां पर रहेगा। यहां पर आएगा आएगा रहेगा रहेगा ना ये ये कितना आएगा आपके पास 28 हुआ है तो। है तो ठीक लेकिन अभी भी देखो यहां पर पॉजिटिव वैल्यू ही दिख रहा है आउटपुट आपको ये पॉजिटिव वैल्यू ही है ना वी नॉट में पॉजिटिव वैल्यू ही है कंप्यूटर अभी बोलेगा कि तुम वन ही लो और अभी भी क्लॉक इसमें जाएगा और वो काउंट करते रहेगा ठीक है काउंट करते रहा काउंट रुकेगा नहीं यहां पे आने का रुकेगा नहीं यहां के बाद भी एक अगला काउंट होगा जीरो 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 वो होगा सिक्सटीन टी क्लॉक में वो कितना में होगा सिक्सटीन टी क्लॉक में लेकिन यार काउंटर क्या करता है सिग्नल दे देता है हमेशा जीरो जीरो आने कि तुम स्विचिंग कर लो जल्दी से स्विचिंग कर लो समझ में आ रहा है तो यहां पर क्या हो जाएगा स्विचिंग हो जाएगा वी ए से कनेक्ट हो जाएगा लेकिन मैं देखना चाहता हूं कि आउटपुट क्या आएगा जब सिक्सटीन टी क्लॉक व्यतीत हो चुका होगा क्लॉक जब हो चुका होगा ओवर तब आउटपुट क्या आएगा ठीक है तो यहां पर क्या डालोगे सिक्सटीन टी क्लॉक हो चुका होगा तो एट डालोगे ना टी का वैल्यू एट डालोगे क्यों एट है ना देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एट टी क्लॉक लगा जब वी रेफरेंस से कनेक्टेड था ठीक है तो यहां पर अब क्या डालोगे एट तो ये हो जाएगा एट अटचक अड़तालीस अटचक बत्तीस ठीक है ये ट्वेंटी एट होगा थर्टी टू होगा तो यहां पर क्या आएगा आउटपुट बताओ आप ये क्या आएगा आउटपुट इसका वैल्यू क्या आया देखो सिक्सटीन वोल्ट यह आएगा सिक्सटीन वोल्ट मतलब कि सर जो आउटपुट है वो जब यहां पर आया जब सिक्सटीन वोल्ट पे आया उस समय तो अगेन स्विचिंग हो गया जीरो आया भी नहीं और स्विचिंग हो गया स्विचिंग हो गया कहां चला गया VA पे चला गया VA पे चला गया मतलब अब फिर से क्या करेगा वो जीरो जीरो से लेके जीरो जीरो तक आएगा मतलब फिर से 8 टी क्लॉक के लिए वो ऊपर जाएगा यानी कि स्विचिंग जैसे हुआ अब फिर से ऊपर जाएगा 8 टी क्लॉक के लिए क्लियर ये चीज ये कितना समय लगेगा ये 8 टी क्लॉक आगे लगेगा 8 सेकंड आगे लगेगा समझ में आ गया अब जैसे ही यहां पर पहुंचेगा तो जीरो 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 काउंटर आ जाएगा और फिर वो क्या कनेक्ट हो जाएगा वी रेफरेंस में लेकिन वी रेफरेंस में क्या होगा अगेन वो नीचे तक आएगा ठीक है आगे नीचे तक आएगा और फिर स्विचिंग हो जाएगा तो फिर ये ऊपर चल जाएगा और फिर ये नीचे आएगा फिर ऊपर चल जाएगा फिर नीचे आएगा फिर ऊपर चल जाएगा एंड सो ऑन होते रहेगा सर्किट में ठीक है सर्किट लूप में चला जाएगा ये चीज क्लियर है सबको सर्किट लूप में चला जा रहा है क्लियर है इसीलिए मैंने बोला था कि हमेशा रेंज में ही देना है आपको अगर फोर बोल डीओबी भी रेफरेंस को तो इसका रेंज माइनस फोर टू जीरो ही दोगे ये चीज क्लियर हो रहा है कि नहीं थोड़ा बहुत किसी को प्रॉब्लम है इसको समझने में भाई देसी कोडर मिल जाएगा आंसर आपको कल टेंशन मत लो थोड़ा वो करो राम बाबू गुप्ता कोई बात नहीं आपको समझ नहीं आया लगता है चलो कोई बात नहीं ट्राई करो फ्रस्ट्रेशन में समझ सकता हूं आप लोगों को ये चीज क्लियर हुआ सबको यस सर क्लियर है बाकियों क्लियर हुआ कि एक लूप में चला जाएगा कभी आपको जीरो मिलेगा ही नहीं मैं चाहता था आउटपुट मुझे जीरो मिले तभी तो मैं बता पाता था ना उसका सही रीडिंग आउटपुट जीरो मिले तभी तो मैं बता पाता था याद करो सब आउटपुट यहां जीरो मिलता था लेकिन ये जीरो पे कभी आएगा ही नहीं यार वो जीरो आने के पहले स्विचिंग हो जा रहा है जीरो आने के पहले स्विचिंग हो जा रहा है इसीलिए फिर से वो इनपुट पे कनेक्ट हो रहा है फिर से वो आगे जा रहा है कभी सेटल हुआ क्या कभी सेटल हो ही नहीं पाएगा समझ में आ रहा कभी सेटल हो ही नहीं पाएगा ये चीज प्रकाश ठाकुर माइनस पॉइंट सिक्स एट माइनस थ्री पॉइंट फोर सही है माइनस थ्री पॉइंट फोर ओके आप गुड सुपर कॉन्सेप्ट सर थैंक यू सो मच राखी सबको ये समझ में आया क्यों मैं बार बार बोल रहा था क्यों मैं बार बार आप लोग को बोल रहा था ये चीज कि आप लोग ट्राई करना आप लोग को मजा आएगा ये चीज में ठीक है ट्राई करना समझ में आ रहा है क्या प्रॉब्लम आ रहा है आप रेंज से बाहर निकले तो इस पार्टिकुलर सर्किट में समझ में आया ना क्या प्रॉब्लम आ रहा था ओके इसीलिए मैं जब बोला था प्रीवियस केस में अगर ये फोर वोल्ट लिया अपने वोल्ट लिया तो क्या होता है उस केस में दोनों का स्लोप इक्वल हो जाता है और ये जीरो पे पहुंचता है जीरो पे पहुंचता है ठीक है लेकिन इस बार जीरो पे पहुंचेगा ही नहीं वो अगेन स्विचिंग हो जा रहा है स्विचिंग हो रहा है तो फिर से ऊपर जाने लगा फिर से नीचे ऊपर नीचे क्लियर ये चीज अच्छे से क्लियर हो गया सर ड्यूल स्लोप का फंक्शनिंग गुड सुबादी गुड गुड क्लियर मजा आया ये चीज समझने में सीखने में अब कभी तो भूलोगे नहीं ना ठीक है समझ में आ गया ओके तो मुझे एक चीज मुझे बताओ आप लोग एक चीज मुझे बताओ अगर इनपुट डिफरेंट रहेगा इस बार मैंने बोला वी ए को आप लोग कहां रखो मान लेते हैं सिक्स वोल्ट लो और वी रेफरेंस को माइनस फोर वोल्ट लो ठीक है अब बनाओ आप लोग खुद बनाओ देखो इसका जो ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा इस बार और इस पर कौन सा कंप्यूटर यूज करेंगे दोनों चीज क्लियर है अब मैंने चेंज कर दिया पोलैरिटी अब मैं इनपुट पॉजिटिव वैल्यू दे रहा हूं ठीक है तो आउटपुट कैसा मिलेगा बताओ मैं जल्दी से ड्रॉ कर रहा हूं आउटपुट कैसा मिलेगा आउटपुट कैसा मिलेगा आप लोगों को इस टाइप से कुछ मिलेगा क्या इस टाइप से कुछ मिलेगा क्या आउटपुट और कंप्यूटर क्या यूज करेंगे पॉजिटिव के लिए इंडिकेटर का आउटपुट नेगेटिव आएगा और हम नेगेटिव के लिए चाह रहे कंप्यूटर वन दे ठीक है मतलब क्या करना चाहिए इन्वर्टिंग कंप्यूटर यूज करेंगे सर इसमें कौन सा कंप्यूटर यूज करेंगे इन्वर्टिंग इन्वर्टिंग कंपरेटर कंपरेटर ठीक है इनवर्टिंग कंपरेटर राकेश सर फिर तो इसमें वी ए इंटू टी रेफरेंस वाला फॉर्मुला वैलिड नहीं होगा गुड क्वेश्चन गुड क्वेश्चन नहीं इसमें वैलिड होगा वी ए इंटू टी वन इज इक्वल टू वी रेफरेंस टी टू लेकिन एक रेंज में लेंगे तभी वैलिड होगा बिल्कुल सही है देखो भाई इस ऊपर वाले सर्किट जो मैंने बनाया था उसके लिए यह फॉर्मूला वैलिड होगा ठीक है ऐसा नहीं कि नहीं होगा वी ए इंटू टी वन इज इक्वल टू वी रेफरेंस इंटू टी टू ठीक है लेकिन आपके लिए रेस्ट्रिक्शन क्या है कि हमेशा वी रेंज में होना चाहिए वी रेफरेंस के ठीक है जो मैंने बताया था ठीक है तभी ये फॉर्मूला वैलिड रहेगा उस सर्किट के लिए अगर क्वेश्चन में ये सर्किट शो कर देता है ठीक है तब आपका ये फॉर्मूला कब तक वैलिड रहेगा जब तक जब तक जब तक इसका रेंज में रहे इनपुट ठीक है लेकिन आप देखना क्वेश्चन में कभी आपका मेंशन नहीं करता वो सर्किट ठीक है ये एक बेसिक सर्किट है समझने के लिए ड्यूल स्लोप एडीसी टाइप ठीक है इसीलिए मैं अब नेक्स्ट पार्ट में आ रहा जो मैंने कल दिया था आपको क्वेश्चन गुड गुड सुप्रिया सब समझ रहे के अबाउट हो जाएगा चलो चलो बढ़िया 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 चलो, अब मैं आपको कल वाला क्वेश्चन बता रहा हूं कल का क्वेश्चन मुझे फिर से लिखना पड़ेगा लगता है ठीक है लेकिन मैं लिखूंगा नहीं आप लोग बना लेना कल वाले क्वेश्चन में भी आपका क्या था सेम ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा और सही आंसर आता है उससे लेकिन उस फॉर्मूला में आपका टी का वैल्यू ज्यादा था टी से जो मैंने बोला नहीं हो सकता लेकिन वो कब नहीं हो सकता है इस चीज को समझो इस पार्टिकुलर सर्किट के लिए वो चीज वैलिड नहीं है लेकिन जो ये फॉर्मूला है ना ये एक जेंडर फॉर्मूला है ठीक है मतलब एक जनरल जेनरल फॉर्मूला है जेनरल फॉर्मूला मतलब समझो एक चीज क्या है यहां पर स्विचिंग काउंटर के हाथ में था मतलब कंट्रोलर के हाथ में था लेकिन काउंटर इसको सिग्नल दे रहा था ठीक है लेकिन अगर हम डिजाइनिंग के थ्रू ऐसा कर सकते हैं कि वो मेरे हाथ में आ जाए ठीक है कुछ इसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट लगा सकते हैं कुछ एक्स्ट्रा काउंटर्स लगा सकते हैं कुछ पार्ट्स एक्स्ट्रा लगा के मैं इसको चेंज कर सकता हूं और फिर वो फॉर्मूला ही हमेशा बेल्ट रहेगा सारे डिल स्लोप टाइप में ठीक है इसीलिए उस इस क्वेश्चन में आपको यह सर्किट नहीं दिया गया था यह सर्किट तो समझने के लिए है। और इसके अकॉर्डिंग यह फॉर्मूला मैंने बनाया था ठीक है लेकिन वो एक जनरल फॉर्मूला है वो सब जगह अप्लाई है डिल स्लोप टाइप में लेकिन अगर ऐसा सर्किट दे दिया क्वेश्चन में ना फिर आप इसको रेंज को एक्सटेंड नहीं कर सकते हो ठीक है फिर इसमें आप यूज नहीं कर सकते हो और हो सकता है ऐसा आई फ्रेम करे सेम सर्किट दे दे और कंडीशन दे दे क्या ये पॉसिबल है क्या ये पॉसिबल है क्या ये पॉसिबल है या फिर इसका वेब फॉर्म बनाने दे दे इनपुट ऐसा दे देगा चेंज कर देगा हाई कर देगा फिर वेबफॉर्म बोलेगा वेब फॉर्म में ऐसा कुछ रहेगा आपके पास वेब फॉर्म गिवेन ठीक है ऐसा कुछ वेब फॉर्म गिवन रहेगा तो ये सही आंसर होगा फिर ये चीज को समझ में आया वो एक एनालॉगस फॉर्मूला है ठीक है वो सभी जगह है लेकिन इसमें आपके पास कंडीशन रहेगा उस फॉर्मूले पे बाकी पे कंडीशन नहीं है ठीक है वो, वो हो सकता है लेकिन इस सर्किट में नहीं आ सकता है ठीक है ये डिजाइनिंग क्या होगा किसी ने उसमें आ सकता है ठीक है तो ये एक जेंडर जेंरल फॉर्मूला है जो आप अप्लाई करना सीखोगे सीखना चाहिए आपको ये चीज क्लियर है समझ में आ गया इसलिए आप क्वेश्चन देखना ये सर्किट देख के पूछेगा ही नहीं कि इसमें टी का वैल्यू बड़ा हो क्योंकि इसमें पॉसिबल ही नहीं आप खुद देखो ना यार क्योंकि मेरे हाथ में नहीं है वो चीज स्विचिंग वो कंट्रोलर के हाथ में है, कंट्रोलर को कहाँ से मिल रहा है काउंटर से मिल रहा है ठीक तो तो है तो रेस्ट्रिक्शन तो दिख ही रहा साफ साफ तो कुछ कर नहीं सकते हैं। इस चीज़ को समझो क्लियर तो आप उस फॉर्मूला को यूज करो लेकिन ध्यान रखना तो अगर टी टू बड़ा हुआ तो वो सर्किट आप अज्यूम मत कर देना कभी दिमाग में क्वेश्चन कर रहे हैं जो सर ने पढ़ाया था उस सर्किट पे वो फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा जब आपके पास टी टू बड़ा हो जाएगा ठीक है जब आपके पास टी टू बड़ा हो जाएगा कहां चला गया भाई हाँ जब टी टू बड़ा हो जाएगा ना तो कभी भी जो सर्किट मैंने बताया उसको अज्यूम मत करने लगना ठीक है कोई दूसरा सर्किट होगा जिसमें कुछ अलग अलग चीज और लगाया होगा ताकि वो स्विचिंग करा सके वो चीज करवा सके ठीक है ना तो वो सर्किट मत ज्यूम करना जब भी टी टू बड़ा हो टी वन से क्लियर ये चीज सबको समझ में आ गया क्या आज मजा आया आप लोगों को नहीं समझ में आया अच्छे तरीके से नहीं जल्दी मुझे बताओ कुछ नया सीखने को मिला क्या आपने मतलब और भी बहुत कुछ सीखा कि यस कैसे डाउट रेज करते हैं ठीक है कैसे ज्यादा डीप में जाते हैं कैसे चीजों को समझते हैं आकाश T1 वन इज इक्वल टू टी टू सब कुछ समझ में आ गया यस नो जल्दी से बता दो

तो ये आपका यहां पर खत्म हो चुका है ठीक है ड्यूल टाइप एडीसी पे जितने क्वेश्चन है आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे ठीक है कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं छूटेगा जो आपसे ना बने क्योंकि आपको आप इन डेप्थ पता है सब कुछ इस सर्किट से तो कोई भी क्वेश्चन आया तो, तो सब बना दोगे वे आराम से बना दोगे कोई दिक्कत ही नहीं आएगा समझ में आ रहा है ना कोई दिक्कत ही नहीं आएगा क्लियर है ना अभिषेक सिंह नो no. अभिषेक सिंह नो no. नो no, नो no, सर क्या सर यस यस बोलिए सर No, no, नहीं चलेगा ठीक है अब आप एटीसी आपका खत्म हो गया और ड्यूल टाइप खत्म हो गया डीवीएम सभी मुझे बताओ जल्दी से बीस लोग जुड़े हैं बताओ बीसो नेक्स्ट टॉपिक क्या मैं स्टार्ट करूं डीवीएम हो गया ओवर भाई खुश हो जाओ एक चैप्टर खत्म हो गया कुछ लोग को लो हार्ड लगता है बताओ नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट क्या मैं बताऊं आप लोग के लिए क्या अच्छे से लेके आऊं क्या चाहिए आप लोग को नेक्स्ट बताओ इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट ओके नहीं इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर सुपीरिया में अभी नहीं बताऊंगा ठीक है अभी नहीं बताऊंगा इसमें आपको थोड़ा पता होना चाहिए ट्रांसफॉर्मर के बारे में ठीक है तो बहुत लोगों को नहीं होगा ये पता इसलिए प्रॉब्लम हो जाएगा मैं इंस्ट्रूमेंटेशन इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर को बाद में लूंगा ठीक है बाद में लूंगा टेंशन मतलब इसके अलावा बताओ कोई और या एसी ब्रिजेस एरर ट्रांसड्यूसर ट्रांसड्यूसर में नहीं घुसूंगा ये मेजरमेंट का बाट है ठीक है अभी मेजरमेंट में ही रहेंगे लिसा जॉस पैटर्न वो वाला इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर बाद में लेंगे हम लोग ठीक है समझ में आया अभी नहीं लेंगे क्योंकि बर्बाद हो जाएगा फिर सेशन वो अच्छे से लोगों को समझ नहीं आएगा पहले आप लोग सर का देखो अच्छे से पढ़ो ट्रांसफॉर्मर समझो उसके बाद मजा आएगा ठीक है समझ में आना इसके अलग से आने वाला टेंशन मत लो अभी आज भी होगा पढ़ना सब लोग अच्छे से अभिनंदन सर का शायद होगा वो पढ़ना अभी आएगा सेशन सारे लोग से अटेंड करना जरूरी है यार अभिनंदन सर का इतने प्यार से समझाते हैं अच्छे से ठीक है जिसको इंग्लिश नहीं समझ में उसको इंग्लिश नहीं पढ़ना है आराम से इंग्लिश नहीं पढ़ो लेकिन सभी अटेंड करो ठीक है आप पंका सदी बता रहे दो दो टीचर मशीन बना रहे हैं आप लोग पढ़ो उसके बाद देखना मजा आएगा इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर पढ़ने में ऐसा नहीं बता सकते हैं ठीक है उसमें थोड़ा सा इसका मॉडलिंग का पार्ट आता है तो वो समझना जरूरी है पहले वो समझ लो फिर देखो सारे क्वेश्चन बन जाएंगे या पॉट पॉट इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर सीआर रिविजन बेसिस सम ओके सीआरओ सी ज्यादा दिख रहा है तीन सीआरओ दिख गया ठीक है तो मुझे बताओ रीसा जो पैटर्न वाला भी दिख गया तो रीसा जो पैटर्न भी मतलब सीआरओ का ही पार्ट है सिंगल कॉन्सेप्ट वाला पहले कर ले चलो सिंगल कॉन्सेप्ट वाला करना चाहते क्या सबसे पहले सिंगल कॉन्सेप्ट सिंगल कॉन्सेप्ट वाला सबसे पहले करे क्या खत्म कर ले सिंगल कॉन्सेप्ट एक एक दिन में बोल दो तो ये कर लेंगे सिंगल कॉन्सेप्ट एक एक दिन में खत्म कर दो सर उसके बाद आराम से फिर करते रहना सिंगल कॉन्सेप्ट में खत्म कर ले क्या बताओ बताओ सिंगल कॉन्सेप्ट में क्या करे डीवीएम तो खत्म हो गया सिंगल ही कॉन्सेप्ट था ना ज्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट तो था ही नहीं एडी से थोड़ा अलग था सीआरओ सीआरओ सब सियारो बोल रहे हैं चलो ठीक है ना फिर सीआरओ स्टार्ट करते हैं क्या दिक्कत है राखी भी बोल रही सीआरओ आदित्य भी बोल रहा है और सागर कुमार को चाहिए विनोद सर का लेक्चर देखना रहे इसलिए वो विनोद विनोद लिख रहे हैं चलो अच्छा कोई बात नहीं आदित्य भी बोल रहे हैं सीआरओ इंटरटेनर द इंटरटेनर सीआरओ चलो फिर सीआरओ स्टार्ट होगा कल से और कल से एक नया हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्या कि एक रिवीजन क्वेश्चन आएगा जो प्रीवियस कंप्लीट किया है मैंने ठीक है लाइव सीजन में जो प्रीवियस उस पर रिवीजन क्वेश्चन आएगा कल का आंसर भी कल मिलेगा आपको और कल का क्वेश्चन भी कल मिलेगा आपको सॉरी आज का आंसर कल मिलेगा आपको कल का क्वेश्चन कल मिलेगा आपको चलो तो नेक्स्ट जो होने वाला है हमारे पास क्या सीआरओ स्टार्ट होने वाला है ठीक है आज का आपका क्या है होमवर्क डीवीएम पे सारे क्वेश्चन बनाओ डीवीएम पे सारे क्वेश्चन बनाओ ठीक है डाउट हो तो डाउट भेजो कोई टेंशन नहीं है रिवीजन क्वेश्चन जो दिया है उसको सॉल्व करो समझ में आ गया है समझ में आ गया कि नहीं और एक छोटा सा क्या है थोड़ा बहुत सीआरओ का रिवीजन कर लो एक बार देख लो पलट के अपना नोट्स ठीक है रिवीजन वाया नोट्स ठीक है एक बार बस देख के आ जाना कल ताकि आपको अच्छे से कनेक्ट हो पाए चीजें ठीक है, है इतना काम है इस लेक्चर के बाद आप लोग फटाफट स्टार्ट हो जाओ ठीक है ये कल से सीआरओ होने वाला ठीक है सीआरओ Easy है बहुत मजा आएगा ठीक है कुछ बचा ही नहीं इसमें अब तो डिजिटल बोर्ड भी है मैं बहुत कुछ बता सकता उसमें ठीक है कर सिमुलेशन करवा के मैं ट्राई करूंगा सिमुलेशन करवाने का ठीक है दिखाऊंगा सब वेब फॉर्म चलते हुए सॉफ्टवेयर के थ्रू क्लियर है ये चीज कोई टेंशन नहीं किसी को मजा आएगा क्यू मीटर तो आसान सा है बाद में कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं सीआरओ सीआरओ करते CR बहुत ज्यादा डिमांड है ठीक है सीआरओ लेके ले आएंगे अच्छे तरीके से एक एक चीज समझ में आएगा सीआरओ में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला और अच्छे से क्वेश्चन उठाऊंगा मैं ठीक है सिंपल क्वेश्चन नहीं अच्छे से क्वेश्चन उठाऊंगा ठीक है चलो फिर आज आप लोग को अच्छा बहुत कुछ समझ में आएगा लेकिन जिसको नहीं समझ में आया एक बार वीडियो देखना पूरा ठीक है समझ में आएगा डील स्लोप वाला ठीक है इंटरेस्टिंग होगा मजा आएगा ओके तो हम अब अलविदा लेते हैं आप लोग तब तक एन्जॉय कीजिए अभी लेकिन विनोद सर का लेक्चर आने वाला है एरर एनालिसिस पे ठीक है तो उसको सिटी स्टेट एरर पे ठीक है तो उसको अच्छे से बनाइएगा उसको अच्छे से देखिएगा बहुत ज्यादा लोगों को कंफ्यूजन होता है स्टेट एरर क्या होगा जब फीडबैक होगा यूनिटी फीडबैक होगा या नहीं होगा तब क्या होगा ठीक है कोई इंस्टीट्यूट कुछ और आंसर दे रहा है कोई इंस्टीट्यूट कुछ और आंसर दे रहा है आईआईटी कुछ और आंसर दे रहा है तो इस चीज को समझो कि रियल कॉन्सेप्ट क्या है सिटी स्टेट एरर का रियल कॉन्सेप्ट क्या है वो आज विनोद सर आपको बताएंगे तो एकदम आप अपडेटेड रहना और अभिनंदन सर का या पंक सर का दोनों का लेक्चर मत मिस करना मशीन के ऊपर मैं स्पेशली बोल रहा हूं जो मेजरमेंट पर है जिसको इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर पढ़ना और समझना और सीखना है ठीक है क्लियर है तो कोई मिस मत करना गलती से भी चलो इसके बाद ट्रांसड्यूसर स्टार्ट करेंगे मेरे भाई मेजरमेंट आकाश कोल्टे ठीक है मेजरमेंट खत्म हो जाने तो फिर ट्रांसड्यूसर स्टार्ट करेंगे एक करके एक ठीक है एक एक करके करेंगे टेंशन मत लो थैंक यू थैंक यू सुपीरिया ठीक है आप थोड़ा सा और पढ़िए आपका रिवीजन क्वेश्चन आज नहीं बना था ठीक है कोई बात नहीं आप पढ़िए अच्छे से थोड़ा और मेहनत कीजिए थोड़ा इंटरेस्ट लाइए सब्जेक्ट में चलो फिर मैं अलविदा लेता हूं तब तक आप लोग इंजॉय करो खाओ पियो मस्त रहो ठीक है चलो ऑल द बेस्ट थैंक यू सो मच